लेकिन मैं तो बिल्कुल खुले दिमाग का सरल आदमी हूं और हृदय से बोलता हूं। मैं जो भी बोलता हूं उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, कोई राजनीति नहीं होती, मैं हृदय से बोलता हूं। इमोशनल आदमी हूं, बोलने में हो सकता है कहीं ज्यादा बोल जाऊं, लेकिन भाव इंटेंशन मेरे गलत नहीं होता। बहुत सारे लोग मेरे VRS लेने के पहले से इस तरह का बयान दे रहे हैं जिसे मुझे राजनेता समझता, मजबूर कर दिया मेरे को VRS देने का, कोई इरादा नहीं था। कोई बिहार के बाहर से बोलता है और यहां भी लोग हैं। एक महीने से क्या हो रहा है, एक महीने से हमको सोने नहीं दिया। 500 से 1000 कॉल्स, उनको 5200-5400 व्हाट्सएप पर मैसेजे जाते हैं, कोई आदमी देख सकता है बताओ। और 1000 कॉल आएगा तो कोई आदमी बात कर सकता है, एक एक 30-30 सेकेंड भी बात करना संभव है क्या? कैसे करेगा, कैसे करेगा? आज इस्तीफा दे रहे हैं, कल इस्तीफा दे रहे हैं, आज दे देंगे, कल दे देंगे, चुनाव लड़ जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। एक महीना तो एक भाई, एक महीना पहले ने तो एक भाई ने पोर्टल पर चला दिया, इस्तीफा दे दिया। तो मैंने लिखा कि भाई इस पत्रकारिता को आप क्या कहिएगा, लेकिन रोज पोर्टल में कहीं ना कहीं से, और अच्छे अच्छे लोग भी, बड़े बड़े पत्रकार भी फोन करके कब दे रहे हैं, कब राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं। और इतना हंगामा मचा दिया कि पूरा पब्लिक परसेप्शन ऐसे हो गया जैसे मैं राजनीति में जाने वाला हूं और मैं इस्तीफा आज या कल देने वाला हूं। और उसको लेकर के राजनीतिक लोगों को भी चिंता होने लगी और राजनीति से प्रेरित कमेंट्स भी आने। अभी बिहार में चुनाव का माहौल है, किसी दिन आचार संहिता लागू होगी, आज भी हो सकती है, कल तो हो नहीं जानी चाहिए, परसों तक नहीं हो जानी चाहिए, ऐसा अनुमान है। काम तो मुझे बिहार सरकार का अधीन अब करना नहीं है, आचार संहिता लग जाती तो, वो तो करना है भारत के चुनाव आयोग के अधीन। इस तरह का आप न्यूज चलाएंगे, इस तरह का आप पोर्टल करेंगे, पोर्टल पर न्यूज चलाएंगे और इस तरह का माहौल आप बना देंगे तो भारत का निर्वाचन आयोग भी मेरी निष्पक्षता पर डाउट करने लगेगा। आप ऐसे करते हैं जैसे हम किसी सरकार के लिए काम कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए, दल आज तक नहीं किया, जो 34 साल तक नहीं किया उसका कैरेक्टर ही नहीं है। उसको कैरियर के लास्ट 3-4 महीने में वो चाहेगा कि हम कलंक लग जाए, दाग लग जाए। मुझे पता है मेरे खिलाफ शिकायतें भी होने लगी, इतना विवाद में रख कर मैं कैसे चुनाव संपन्न करूं? मेरा हर सही और निष्पक्ष कदम भी सबकी नजर से देखा जाता है। मुझे ऐसी परेशानी का सामना करना था। मैंने तय किया कि अब दे देते हैं, कब इस्तीफा दे रहे हैं, कब इस्तीफा दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, दे दिया। अब चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हम एक बात करते हैं, जीवन भर तो तपस्या किया है, जनता के लिए जिया, मैंने कोई चुनाव की भी घोषणा तो नहीं की है, कोई पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा नहीं की है, इस्तीफा तो दे दिया। चुनाव लड़ना कोई पाप है? अगर कोई VRS लेकर के चुनाव, मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूं क्या या करूंगा क्या, ये कोई पाप है, ये गैर कानूनी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है क्या, अनैतिक है क्या? हत्या करने वाले, अपहरण करने वाले, अगर घोर 500 मुकदमे के जिन पर FIR, अगर ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं,
मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया, मैंने कौन सा ऐसा अपराध, एक गरीब किसान का बेटा नहीं लड़ सकता क्या चुनाव, जिसका 34 साल का की सेवा बेदाग रही है, कैरियर वो नहीं कर सकता है क्या, इसमें कोई पाप है अगर मैं लड़ना चाहूं तो भी, क्या बात है मुझे समझ। कुछ लोग सुशांत के केस से इसको जोड़ ले, ओ ये इसलिए इतना बोल रहे थे, देखिए कुछ महान महान लोग ट्वीट कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं, ये इसलिए इतना बोल रहे थे कि इनको तो चुनाव लड़ना था। अरे बिहार में जो लोग हमको जानते, बिहार के बाहर वाले बोले तो बात, मुझे चुनाव लड़ने के लिए उतना बोलने की जरूरत नहीं थी, बिहार के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं कभी डीजीपी जैसा रहा नहीं, मैं तो सबके भाई बनकर, बेटा बनकर, उनका सेवक बनकर, मैं तो जनता का डीजीपी हूं, वो आ करके देखे तब ना। क्या किया सुशांत के केस में गलत, मैंने अपराध कर दिया, हमको जबा कर लिएगा, फांसी लगा जाएं, मेरा खून कीजिएगा, गाली तो दे ही रहे हैं, अपमानित कर ही रहे हैं, वो मैं तो हलते हलते झेल रहा हूं, गोली मारिएगा, हत्या करिएगा मेरी, कौन सा अपराध कर दिया मैंने, बिहार का बेटा था वो, पूरे देश की शान था वो, और जिस तरह से उसकी मौत हुई है रहस्यमय ढंग से, और जितना उसमें ड्रामा हुआ है, मैंने अपने यही ना अपराध किया कि 14 जून को सुशांत की मौत हुई और 21 जून को सब खत्म, शांत, मैंने FIR करा दिया, उसका 74 साल बूढ़ा बीमार लाचार बाप अगर आकर के कहता है कि हमको शक है कि इस बेटे की मौत जो हुई है मेरी, उसमें कोई न कोई ये लोग किसी न किसी तरह से जिम्मेदार हैं, इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, इसमें मनी ट्रेल है, मैं तो विधिवेत्ता नहीं हूं, मुझे तो कानून का बहुत सीमित ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लॉ जितना जरूरत पड़ती है पुलिसिंग के लिए वो उससे मैं जज करता हूं कि इसमें मनी ट्रेल है तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना भी बनता है, क्योंकि सुशांत के पिता अस्थायी रूप से पटना में रहते हैं और इसी विजडम के आधार पर मैं डिसीजन लेकर के पटना में FIR कर देता हूं। पाप कर दिया, गुनाह कर दिया, गैरकानूनी काम किया क्या, अब इस पर बहस मत कीजिए, मैंने सर्वोच्च न्यायालय कह दिया कि नहीं ठीक किया, इसमें कोई गैरकानूनी है, इस पर क्यों बहस करते हो, एक महीना तो टीवी पर डिबेट चला, बड़े बड़े विधिवेत्ता बैठे ना, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कुछ भी गलत नहीं, अधिकारियों की टीम भेज दी मुंबई जांच करने के लिए, गैरकानूनी काम किया क्या, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं कहा कि गैरकानूनी काम किया, उसको किस तरह से आपने बेइज्जत किया आप देख लीजिए, धक्के दे करके क्या क्या कर रहे हैं, टेम्पो में घूम रहे हैं अधिकारी, उनके साथ जो बदसलूकी कर रहे हैं, बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक IPS अफसर को भेजा तो रात में 11:30-12 बजे मध्य रात्रि को जा करके चोर की तरह उसके हाथ पर टप्पा मार करके उसको कहते हैं कि आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, किसी को बुला नहीं सकते, कोई केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, किसी का स्टेटमेंट नहीं ले सकते, ऐसे किया जाता है क्या, पर उसको 2 लाइन का नोटिस दे देते कि आप क्वारंटीन हो गए, कहीं निकलिएगा नहीं, नहीं निकलता वो जानता है कि क्वारंटीन कर दिया, निकलेंगे मुकदमा हो जाएगा, हमको जेल डाल देंगे, पढ़ा लिखा आदमी है ना, IPS अफसर है, विनय तिवारी पटना का CTS, अरे सिपाही को भी ऐसे बेइज्जत नहीं करते, आपने एक IPS अफसर को इस तरह से बेइज्जत कर दिया, पूरे देश में क्या मैसेज गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा गलत है ये, नहीं करिए, नहीं करना चाहिए, उसके बाद मैंने मोर्चा खोला। जिस दिन यहां सुशांत के मौत की खबर आई उस दिन पहली बार सबसे पहले मैं गया सुशांत के फादर से मिलने, उस दिन उसमें कोई राजनीति थी क्या, मुझे भी मालूम था, दुनिया को किसी को मालूम था क्या कि सुशांत की मौत के पीछे इतनी बड़ी मिस्ट्री हो सकती है, कुछ नहीं, हम भी यही जानते थे, सुसाइड कर संवेदना प्रकट करने गया था,
उसने पुलिस कमिश्नर मुंबई को मैंने फोन लगाया, क्यों नहीं फोन उठाया? अच्छा नंबर नहीं पता होगा, ठीक है। मैसेज दिया कि मैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बात करना चाहता हूँ सुशांत की मौत के बारे में, क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया? ये जनरल कटसी नहीं है, डीजीपी हूं ना। एक महीने तक कोई जवाब नहीं। क्वारंटीन किया गया विनय पांडे तिवारी को, उसी में डीजी साहब को फोन लगा रहा हूं, मैसेज दे रहा हूं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, हस्तक्षेप कीजिए। और क्या उपाय था? अपने अपर मुख्य सचिव गृह से कह रहा हूं कि आप अपने काउंटर पार्ट से महाराष्ट्र में बात कीजिए, ये लगा रहे हैं फोन, वहां के अपर मुख्य गृह सचिव फोन नहीं उठा रहे हैं, मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बातचीत एकदम बंद। उपाय क्या था मेरे पास? कम्युनिकेशन चैनल को किसने तोड़ दिया, खत्म कर दिया, ब्रेक कर दिया? अरे हमारा अफसर वहां क्वारंटीन है, चार अफसर हमारे और फंसे हुए हैं, और उसको क्वारंटीन करके ठप्पा लगा कर आप हाउस अरेस्ट किए हुए हैं, बात कर रहे हैं ना, आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं मैसेज का, हम चुप लगा के बैठ जाएं? हमको रिएक्ट करना था। उस दिन से मैं अग्रेसिव हुआ हूं, उसके पहले मैंने मुंबई पुलिस को हमेशा डिफेंड किया। हमारे चार अधिकारियों को अपमानित किया गया, धक्का दिया गया, तब भी मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर सब लोगों ने देखा किस तरह उनको पुश किया जा रहा है। लेकिन जब एक आईपीएस अफसर के साथ बदसलूकी बदतमीजी की गई, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं खुल करके मुंबई पुलिस के खिलाफ मोर्चे में उतर गया और मैंने कहा जरूरत पड़ेगी इस्तीफा भी दो, खुद करके उतर गया मैं और बोला जितना बोल सकता था उतना बोला, और उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। किसी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, वहां के डीजीपी वहां के पुलिस कमिश्नर किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। रिया चक्रवर्ती के बारे में जरूर कहा कि उनकी औकात नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी, वो इसलिए औकात का मतलब होता है स्टेचर। और हमारे यहां जो एफआईआर हुआ है उसकी प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त हैं, इसलिए अभी उनका वो स्टेचर नहीं है कि संवैधानिक पद पर बने हुए किसी आदमी के बारे में वो कोई टिप्पणी करें, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी करें। उसको लेकर आपने ट्रोल करना शुरू किया, मैंने माफी मांग लिया, मेरी बात को समझा नहीं गया, उसको ट्विस्ट किया गया। लेकिन मैंने तुरंत महसूस होते ही माफी मांग लिया कि अगर इससे अगर उनको तकलीफ पहुंची हो या तो मैं माफी मांगता हूं, मेरे अंदर ईगो ही नहीं है, मेरे मुझे किस चीज का ईगो होगा, मैं तो गरीब का बेटा हूं ना, किसान का बेटा हूं, संघर्ष करके आया हूं, हर आदमी की इमोशंस को समझता हूं, सेंटिमेंट को समझता हूं, हर आदमी की इज्जत की है। मेरा दोस्त कौन? आज भी जूता सीने वाले तक, पान की गुमटी चलाने वाले तक, भैंस चराने वाले, गांव में रहने वाले किसान मजदूर हजारों की संख्या में मेरे दोस्त हैं। मैं गांव चलता हूं, मेरे साथ चल करके देखिए, हमारे साथ जो पढ़े लिखे हैं गांव में खेती करो, मेरे कालर पकड़ पकड़ कर खींचते हैं, ऐसे इधर आओ उधर आओ, बड़े आदमी हो गए, बड़े हाकिम हो गए हो, और मैं मुस्कराता हूं उनके साथ चल देता हूं। अहंकार दूसरे को होगा, मेरे को तो कुछ नहीं, मेरी कमाई मेरी विनम्रता ही। जमीन का आदमी हूं, संघर्ष आगे बढ़ा, सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था। मेरे बीआरएस को सुशांत के केस से क्यों जोड़ करके देखते? मुझे बीआरएस लेना होता, सुशांत का केस नहीं होता, नहीं ले लेता। आपने ऐसा माहौल बना दिया कि मेरे को निष्पक्ष रहने नहीं दिया, मुझे विवाद में डाल दिया आपने। और बिहार में चुनाव है, चुनाव का माहौल है, आप मुझे कभी इस पार्टी से जोड़ दे रहे हैं, कभी उस पार्टी से जोड़ दे रहे हैं, मुझे पार्टी का आपने खुद ही बना दिया प्रवक्ता, मुझे आपने पार्टी का कार्यकर्ता मान लिया, बना दिया, कैसे निष्पक्ष? ऐसे में अपना दाग लाऊं चुनाव में? हम पर हजार पिटिशन पड़ते, इनको मदद कर रहे हैं, उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं, दाग लगा के जाऊं जिसमें 34 साल में दाग नहीं है? छोड़ने के अलावा उपाय क्या था? छोड़ दिया तब मेरे पास उपाय क्या है ये बताइए। मैं कोई पार्टी में ज्वाइन कर लूं और मैं एक चुनाव लड़ जाऊं और पसंद अपनी पसंद की पार्टी ज्वाइन कर लूं, चुनाव लड़ जाऊं, तो ये आप तय करिए कि अनैतिक है, गैरकानूनी है या अपराध है।
या पाप है। आप क्या चाहते हैं? मैं मर जाऊं, हार जाऊं, थक जाऊं, आपके गाली देने से डर जाऊं, चूहे की बिल में घुस जाऊं, आपके ट्रोल करने के डर से? और उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जो मुझसे इमोशनली जुड़े हैं, जो इस गरीब किसान के बेटे को प्यार करते हैं, जो मेरी ताकत है? उनके सेंटिमेंट को हमको नहीं देखना चाहिए? अरे हताशा और फ्रस्ट्रेशन में मैं डर करके बैठने वाला थोड़ी आदमी हूं। मैं जनता की सेवा में रहा हूं और जनता की सेवा में रहूंगा। और सुन लीजिए, अगर मौका मिला तो मैं चुनाव लड़ने का भी निर्णय लूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूं। अब नौकरी में था तो मेरी सीमाएं थी, मर्यादाएं थी, लेकिन मैं स्वतंत्र नागरिक हूं और मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं चुनाव में भी आऊंगा। और इसलिए आऊंगा, पैसा कमाना रहता तो डीजीपी रहते हुए चोरी करके पैसा कमाना है हमको, और नाम और शोहरत की जरूरत है कि राजनीति में जाने से मुझे अच्छा नाम और शोहरत मिले? नहीं, सेवा। सेवा का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मैं मानता हूं राजनीति को, और मैं आ गया तो मैं बता दूंगा कि सेवक को कैसा होना चाहिए। गरीब, शोषित, दलित, वंचित, बड़े, अमीर, हर जात, हर वर्ग के लोगों को विश्वास को कैसे जीता जाता है, ये प्रयोग तो मैंने 34 साल की है गरीबों का दिल जीत करके। मैं ये दिखाऊंगा और पूरी दुनिया आकर के देखेगी कि सेवक क्या होता है। मेरा मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत का केस के पीछे राजनीति, कोई राजनीति नहीं थी। अरे आप सोचिए, सुशांत आपका बेटा होता तो क्या करते आप? मैंने माना कि वो मेरा बेटा है, इसीलिए इतना बोला। आपका बेटा अगर ऐसे झूल जाए, मौत हो जाए उसकी, आपको कैसा लगेगा? और सुशांत को जस्टिस दिलाने के ही लिए मैंने केस किया ना, उसी के लिए मैंने टीम भेजी ना, उसी के लिए केस को सीबीआई को रिफर करवाया ना बिहार सरकार से। सब जो जो मैंने किया उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना, आप होल्ड किया, कहा कि इसमें तो इसमें आपको कोई बात करने की जरूरत ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ही कह देता केस करना गलत था, टीम भेजना गलत था, सीबीआई को रिफर करना गलत था। जिस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको कहा कि आपने गलत किया कि क्वारंटीन किया। राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं ना कि मेरे वीआरएस को जोड़ दे रहे हैं सुशांत के केस से। आपको पता नहीं है बिहार की जनता मुझे कितना प्यार करती है। 2-4 सौ, 50 हजार, 500 तो इतनी बड़ी आबादी है, तो गाली देने वाले यहां भी रहेंगे, वहां भी रहेंगे। मैंने 60 साल की उम्र में और 34 साल की सेवा में एक भी गलत काम नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाया। गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर आदमी को अपने पास आने से रोका नहीं है, उसके दरवाजे तक भी गया। एक महादलित की बच्ची को मैंने कन्यादान दिया आज से 8 साल पहले अपने घर में। मैंने और मेरी पत्नी ने बेटी की शादी की अपने घर में, माणो मंडप बना करके अपने घर में। ब्राह्मण हूं मैं, ब्राह्मण के घर में मंडप डाल करके महादलित की बच्ची को कन्यादान दिया। गरीब बच्ची को, उसके बाप का नाम है रामनाथ राम, जिला बक्सर, मेरे ही गांव के बगल का है। पड़ताल करिए, जांच कीजिए, शोध कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। वो भय आदमी जिंदा है, बच्ची भी है, उसके बाप भी है, उसकी मां भी है। मेरे घर में मंडप बना और हम लोगों ने उसकी शादी की। उस समय कौन चुनाव था और कौन राजनीति थी? बाढ़ में एसपी था, 10 साल तक एक दलित बच्चे ने मुझे खाना बना कर खिलाया, बेटी की तरह रखा उसको। बाद में उसकी नौकरी कहीं लग गई, चला गया।
30 साल पहले कौन चुनाव लड़ना था, कौन राजनीति थी, मेरा स्वभाव है, आप बात समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। गरीबों के बीच से आया हूं, उनके संघर्ष को देखा है, खुद उस जीवन को झेला है, मुझे क्यों विवाद, मुझसे क्यों थ्रिटन भी फेल करते, मैं किसी के लिए चुनौती नहीं हूं, मैं तो केवल जनता की सेवा करना चाहता हूं। क्या क्या काम किया गिनाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, आप कहेंगे अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विधि व्यवस्था अपराध पर जो लोग टिप्पणी करते हैं और न्यूज बनाते हैं उनको जानना चाहिए, आज की तिथि में बिहार के अंदर एक भी संगठित गिरोह सक्रिय नहीं है। फिरौती के लिए अपहरण लगभग शून्य है, दो चार इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं, तुरंत पकड़ लिए जाते हैं, कोई बड़ा गिरोह सक्रिय नहीं है। फिरौती की अपहरण की घटनाएं तो बिहार में बहुत आम थी, स्टे इंसिडेंट होते हैं, लूट की घटनाएं होती हैं, डकैती की घटनाएं होती हैं, चोरी की घटनाएं होती हैं, गिरभेदन की घटनाएं होती हैं, ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ क्रिमिनल्स यहां नहीं है। और बिहार में जैसे बटा हुआ था इलाका, इस दादे का ये इलाका, इस दादे का ये इलाका, और जिस तरह गाड़ियों में लोग राइफल और बंदूक खिड़कियों से निकाल करके और 20-20 25-25 गाड़ियों के काफिलों में रंगदार लोग चलते थे, वो माहौल बिहार में तो नहीं है। और विधि व्यवस्था की आप बात करेंगे, सुना कहीं बिहार में कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ कहीं? और एक से एक कठिन परिस्थितियां भी आई, बहुत राज्यों में तनाव के माहौल भी हुए, चाहे वो आर्टिकल 370 और 35 का मामला हो, राम जन्मभूमि का फैसला हो, CIA हो, NRC का मामला हो, बिहार अपनी धुरी पर खड़ा रहा। आपने देखा कोयला एनोडो की समस्या हुई कहीं? कहीं गाड़ी जलाई गई, कहीं गोली चली, कहीं लाश गिरी, कहीं विधि व्यवस्था की समस्या हुई, सारे बिहारी इस मामले में धन्यवाद के पात्र हैं। पूरी बिहार की 12 करोड़ जनता जिसने बिहार में पूरी तरह से हर स्थिति परिस्थिति में शांति बनाए रखा, ये बिहार का लॉ एंड ऑर्डर का सुख। होली बीता, दिवाली बीता, रामनवमी बीती, ईद बीती, मुहर्रम बीता, दशहरा बीता, आपने सुना बिहार में कहीं कोई सांप्रदायिक उन्माद पैदा हुआ, कहीं कोई फसाद हुआ? अब किसी भी दिवस पर चाहिए, अब जिस राम राज्य की आपकी परिकल्पना है शायद वैसा ना हो। ये सब जनता के सहयोग से हुआ है, मेहनत किया है मैंने, रात दिन मेरे टीम के साथियों ने मेहनत किया है, थानेदार से लेकर सिपाहियों से लेकर IPS ऑफिसर तक सब लोगों ने मेहनत किया है, और इसमें सरकार का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भरपूर सहयोग रहा है, क्योंकि पुलिस काम में कभी हस्तक्षेप नहीं करती। इसको भी अब राजनीतिक बयान मत मान लीजिएगा, आप उनके विरोधियों से भी पूछिए कि पुलिस को काम करने की पूरी स्वतंत्रता है, किसी चोर गुंडा अपराधी की कोई भी पैरवी करने की हिम्मत नहीं करता बिहार में, तो वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण है, गुप्तेश्वर पांडे के कारण नहीं है। तो इस अच्छे काम के लिए उनको धन्यवाद दे दूंगा, ये भी पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन ये सच है, पुलिस के काम में कभी वो हस्तक्षेप नहीं करते, और इसीलिए बिहार में अपराध कहीं भी हो, कोई भी हो, लेकिन हर आदमी को इसके बात का डर है कि पुलिस जिसकी गर्दन पर हाथ रखना चाहेगी वो रख देगी और कोई बचा नहीं सकता। ये माहौल एक कम बड़ी बात समझते हैं क्या? अब दूसरे किस राज्य में, किस राज्य की पुलिस को इतनी आजादी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिहार में यह है। अच्छा चीज को तो आप एक्सेप्ट करिएगा। आऊंगा, हो सकता है कि मैं आऊं, इस्तीफा दे दिया ना, मेरी औकात बताया ना, किस परिवार से आता हूं, किस तरह से झोरा बोरा लेकर के जा, वही झोरा बोरा मेरी औकात है। और सेवानिवृत्ति के बाद अब इस कोर्ट 5 महीना 5.5 महीना तो और सेवा कर सकता था, ऐशो आराम से रह सकता था, ये कोठी, ये बिल्डिंग, ये गाड़ियों का, ये जितने संसाधन है मेरे साथ थे ना, और उसके बाद भी मेरे पास बड़े बड़े ऑप्शन थे, मैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पोस्ट पर 3 साल के लिए 5 साल के लिए बैठ सकता था, बैठ सकता हूं,
किसी भी कारपोरेट में ज्वाइन कर सकता था, कर सकता हूं, मुझे सालाना 2-2 करोड़ रुपए के पैकेज के ऑफर्स हैं, नहीं करूंगा, न किसी संवैधानिक पद पर बैठूंगा, न किसी कारपोरेट की नौकरी करूंगा, मेरी औकात वही झोरा बोरा की थी, और ये बक्सर की माटी कसम खा करके, सौगंध खा कर कहता हूं, उसी बक्सर से वही झोरा बोरा लेकर के मैं आया था पटना, अब पटना से वही रिटायरमेंट लेकर के, वही झोरा बोरा लेकर के वापस अपनी माँ की गोद में, बक्सर की धरती की गोद में जाऊंगा, और मेरी औकात उतनी ही है। बक्सर का, बिहार का नाम कहीं काला नहीं किया। बक्सर के और बिहार के लोग कह सकते हैं कि जब तक रहा शान से रहा, रुतबे से रहा, और इसी स्टाइल में पूरी जिंदगी भर नौकरी किया, कि मुझे अगर मौका मिला और मुझे इस योग्य समझा गया, मुझे राजनीति में आना चाहिए, तो मैं राजनीति में आ सकता हूँ। लेकिन हमारे वो लोग निर्णय करेंगे जिन्होंने हमको, जो हमारी मिट्टी के हैं, बिहार की जनता है, और उसमें सबसे पहला हक तो बक्सर के लोगों का है, जहाँ मैं पला हूँ, बढ़ा हूँ, और मैं जुड़ा तो बहुत लोगों से हूँ, बिहार के ही हर जिले के लोगों से जुड़ा हूँ, जहाँ जहाँ मैंने सेवा दी है वहाँ भी, और जहाँ मैंने नहीं सेवा दी है वहाँ भी, करीब 25-26 जिलों में बिहार के मैंने किसी न किसी रूप में सेवा दी है, SP के रूप में, DIG के रूप में, IG के रूप में, एडिशनल DG के रूप में, और जहाँ जहाँ सेवा दी वहाँ वहाँ के लोगों से जुड़ता गया, और गरीब गुरुओं, दोस्तों, वंचितों और बड़े लोगों की एक बहुत बड़ी जमात मेरे साथ इमोशनली अटैच होती गई, तो मैं उनसे निर्णय लूँगा, उनसे सलाह लूँगा, उनका जो आदेश होगा उसके हिसाब से मैं अपना निर्णय लूँगा, और बक्सर की जनता उसमें अंतिम अपना फैसला देगी। तो ये है, राजनीति में आने का मेरा अब मन हो गया है, अब स्थिति ऐसी बन गई है कि मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरे राजनीति में आने से इतनी परेशानी क्यों हो रही है, इसको सुशांत के केस से क्यों आप लोग जोड़ रहे हैं, जो लोग जोड़ रहे हैं उनको बता रहा, मैंने जो किया DGP की हैसियत से किया, और किसी भी DGP को और स्वाभिमानी बिहारी को ये करना चाहिए था, बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार की प्राइड के लिए मैं ये लड़ाई लड़ा, और हमारी लड़ाई किसी मराठी से नहीं है, किसी महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति से नहीं है, क्योंकि हमको तो बहुत सारे मराठी भाइयों ने फ़ोन किया कि आपको सुशांत के केस में लड़ना चाहिए न्याय के लिए, और आपको ज़रूरत है गाड़ी की, घर की, या और किसी भी तरह के सहयोग की, तो हम लोग देने के लिए तैयार। टैक्सी ड्राइवर तक ने फ़ोन किया, मेरे पास नाम, नंबर, सब, उनका ईमेल, सब कुछ है। तो मैं इन तमाम मराठी भाइयों को, जो शिवाजी के असली धरोहर हैं, असली संतान यही लोग हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और मेरी लड़ाई तो चंद मुट्ठी भर लोगों से है जिनके निहित स्वार्थ हैं, और वही ऐसे ही लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और सुशांत केस से मेरे VRS को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो भी किया बिल्कुल कानूनी किया, केस करना भी उचित था, इन्वेस्टिगेशन की टीम भेजा वो भी उचित था, CBI को बाद में केस ने रिफ़र किया गया वो भी उचित था, ये तो तय हो चुका है, तो इसके बारे में कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जब मैं पब्लिक लाइफ में आने की सोच रहा हूँ तो लोग इतने परेशान हैं ने कि वो तरह तरह के आरोप भी लगाएंगे, तरह तरह के एलिगेशन भी लगाएंगे। मैं भी ट्विटर देख रहा था सवेरे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक आदमी लिखा है कि पूरा फिल्मी अंदाज था, मेरा कुछ फिल्मी नहीं है, मेरा सब कुछ ओरिजिनल है, मैं एकदम देसी आदमी हूँ, मेरा कुछ नहीं, मैं तो फिल्म भी नहीं देखता, आपको मालूम 25 वर्षों में मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, पिछले 25 क्या नौकरी में आने के बाद से कह सकते हैं 30 वर्षों से मैंने, अब कभी बचपन में जब पढ़ता था तब भी फिल्म का मेरे को शौक नहीं रहा, मैं तो किसी हीरो हीरोइन को भी नहीं पहचानता हूँ, कुछ चंद लोग हैं 2-4-5-10 जो बहुत चर्चित हैं, जिनका फोटो कहीं कहीं दिख जाता है तो मैं उनको पहचानता हूँ, बाकी मैं तो रिया चक्रवर्ती जी को भी नहीं जानता, नाम भी नहीं सुना था, मैंने नाम भी नहीं सुना था, जब इस केस में नामजद अभियुक्त हुई तो वो चर्चित हुई, तब मैंने जाना कि फिल्मी दुनिया में इस नाम का भी कोई व्यक्ति, तो मेरा फिल्म से कोई रिश्ता उश्ता नहीं, ओरिजिनल आदमी, ओरिजिनल बात बोलता हूँ, दिल से बात बोलता हूँ, कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावटीपन नहीं, कोई छल छंद नहीं है, राजनीति में आने का मन है तो बोल रहा हूँ कि आने का मन है, अंतिम फैसला भले जनता लेगी, लेकिन मेरा तो मन है कि मैं क्या करूँगा, मैं समझता हूँ सेवा का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसा कुछ करके दिखाऊँ कि लोग उसको याद रखें। अब मैं चुनौतियों से वाकिफ हूँ, मैं वाकिफ हूँ, मुझे मालूम है कि सिविल सोसाइटी डिवाइडेड सोसाइटी है, लोग जात के नाम पर बटे हुए, मजहब के नाम पर बटे हुए, दल के नाम पर बटे हुए हैं, और इसीलिए आप देखिए 1974 के बाद
कम से कम बिहार में और पूरे देश के स्तर पर भी आप देखिएगा, मेरी बात एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, कोई व्यापक जनाधार वाला सामाजिक आंदोलन खड़ा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोग डिवाइडेड हैं। अगर एक कोई पदाधिकारी है, चोर है, भ्रष्ट है, या किसी भी तरह से मतलब जनता का नहीं सुनने वाला है, उदंड है, अगर उसके खिलाफ आप आंदोलन खड़ा करना शुरू किए, उसी के जात के लोग उसके समर्थन में भी खड़े हो जाते हैं वहीं पर, ये जानते हुए कि निकृष्ट कोटि का पदाधिकारी है, फिर भी उसके जात के लोग उसके साथ ही हो जाते हैं। तो जात के नाम पर ऐसे अपराधियों को भी, ऐसे भ्रष्ट लोगों को भी, ऐसे नालायक लोगों को भी समर्थन मिलने लगता है। ये नैतिक पतन होने का कारण है समाज का। इस तरह से वैल्यू जो है, वैल्यू का डिग्रेडेशन ऐसे हुआ है, नैतिक मूल्यों में इतनी गिरावट आई है कि लोग जात सबसे महत्वपूर्ण है, जात ही पर तो अच्छे आदमी की कीमत क्या रहेगी। अब ये बताइए आप, राजनीति में अगर जात इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा, हमारे ही जात का मुखिया, हमारे ही जात का सरपंच, हमारे ही जात का विधायक, हमारे ही जात का मंत्री, हमारे ही जात का मुख्यमंत्री, हमारे ही जात का प्रधानमंत्री, देश चलेगा क्या? करोड़ों जातियां हैं यहाँ, लाखों हजारों और सैकड़ों धर्म हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार हम जानते हैं तो चार ही मजहब नहीं है, सैकड़ों हैं छोटे छोटे जिसका नाम भी हम नहीं जानते, और जातियाँ उपजातियाँ तो इतनी हैं हिंदू समाज में कि जिसकी गणना भी नहीं हो सकती। और सब जात के लोग अगर यही सोचने लगे कि हमारे ही जात का सरपंच, हमारे ही जात का मुखिया, हमारे ही जात का विधायक, हमारे ही जात का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, तो ये ऐसे समाज का, ऐसे कौम का, ऐसे मुल्क का कोई भविष्य होता है क्या? आप बताइए, ऐसा होता है क्या? कभी हो सकता है? आप बताइए, फिर आदमी की कीमत क्या रहेगी? फिर तो अच्छा आदमी ऐसे ही जूते खाते चलेगा, उसको पूछने वाला कौन रहेगा? तो मैं समाज में एक ऐसा आदर्श उत्पन्न करना, उपस्थापित करना चाहता हूं कि लोग इंसान की इज्जत करना सीखें, कि जो अच्छा आदमी है, संघर्षशील आदमी है, और जो सत्य के साथ खड़ा होने वाला आदमी है, उसके साथ जात के मजहब के बंधन तोड़ करके और दल का बंधन तोड़ करके लोग खड़ा हो, अच्छे आदमी की इज्जत हो, समाज में एक चपरासी भी है, अगर वो अच्छा है, भला इंसान है, तो उसकी इज्जत होनी चाहिए। और ये होता था पहले होता था, आदमी की पहचान होती थी, ये आदमी झूठ नहीं बोल, ये आदमी सच्चा है, ये आदमी सत्य का साथ देने वाला है, ये आदमी किसी को धोखा देने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी पंचायतें ऐसे लोग कर लेते थे, लोग मान जाते थे उनकी बात, उनकी साख होती थी समाज में। आज ऐसा नहीं है। जिसके पास पैसा है, जिसके पावर है, जिसके पास पावर है, उसके आगे पीछे लोग नाचते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, और उसकी कदर होती है। और अच्छा आदमी अगर उसके पास पावर नहीं, पैसा नहीं, चाहे भले ही वो कितना भी नैतिक हो, निष्ठावान हो, चरित्रवान हो, उसको कोई पूछने वाला नहीं। ये क्यों ऐसा हो गया? और ऐसे होगा तो ये देश बचेगा, ये समाज बचेगा क्या? और नौजवानों को तो इस पर सोचना चाहिए, किसी जात के हो, किसी मजहब के हो। सिविल एविएशन में था आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, भारत सरकार में सिविल एविएशन यानी हवाई जहाज मंत्रालय में काम करने का मुझे मौका मिला, तो पूरी दुनिया घुमा मैं, सब जगह गया, बाद में भी गया, लेकिन उस समय ज्यादा कनाडा गया, अमेरिका गया, जापान गया, सिंगापुर गया, कितने देशों का नाम गिनाऊं मैं। लेकिन सबसे ज्यादा मेरा शौक था या सपना था या ख्वाहिश थी दो मुल्क देखने की, एक इंग्लैंड और एक जापान। आप पूछिएगा क्यों? इंग्लैंड ही क्यों और जापान ही क्यों? इंग्लैंड इसलिए कि मैं जानना चाहता था कि आज से सैकड़ों वर्षों पूर्व, जब साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था, जब टेलीफोन नहीं था, जब समुद्री जहाजें इतनी, शिप्स इतनी एडवांस नहीं थी, और हवाई जहाज का भी आविष्कार नहीं हुआ था, और रेलगाड़ी का भी आविष्कार नहीं हुआ था, टेलीफोन नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, उस जमाने में भी इतनी दूर से 8,000-7,000 किलोमीटर दूर से सात समंदर पार करके, और हिंदुस्तान जैसे मुल्क पर, और हिंदुस्तान भी आज का हिंदुस्तान नहीं, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी मिला दें तो कितना बड़ा हिंदुस्तान रहा होगा, और हिंदुस्तान अकेला नहीं, हिंदुस्तान जैसे सैकड़ों देशों पर उतने छोटे मुल्क के लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक शासन किया। इंग्लैंड आप जानते हैं कितना है, बिहार यूपी को मिला दें तो बस। और आबादी के मामले में नहीं, एरिया के मामले में आबादी तो और बहुत, मुट्ठी भर लोग हैं, और धरती के आधे से अधिक मुल्कों पर सैकड़ों वर्षों तक राज किया। तो मैं जानना चाहता था कि इस कौम में, अंग्रेजों में कौन सी ऐसी खास बात है,
इतने कामयाब हुए सैकड़ों वर्षों तक। अब उनके शोषण और जुल्म की कहानी अलग है, उपनिवेशवाद की कहानी अलग है, किस तरह जहाँ जहाँ गए वहाँ गुलामी का संस्कार देकर गए, किस तरह उन मुल्कों का आर्थिक और शोषण हुआ, किस तरह उनकी संस्कृति को विनष्ट किया गया, किस तरह से वहाँ पर झगड़े लगाए गए और किस तरह से वहाँ विभाजन की रेखाएँ दीवारें खींची गईं, वो सब उसके निगेटिव पक्ष हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि इनमें क्या खास ऐसी बात है, इसलिए उनके लिए राष्ट्र सबसे ऊपर, आपस में लड़ते नहीं हो जात के नाम पर, मजहब के नाम पर। जापान इसलिए जाना चाहता था कि आप याद कीजिए जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1942 और नागासाकी हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम बरसाया, कोई नहीं सोच सके इतनी लाशें गिरी, इतने लोग मरे और कितने विकलांग पैदा हुए, बड़ी भीषण स्थिति। उस पीढ़ी के लोग जो अगर जिंदा हैं उनको याद होगा, हम लोगों ने तो किताबों में पढ़ा है, दुनिया कहती थी जापान कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। और जापान में क्या है, कुछ है क्या? हमारे पास तो सब कुछ है, नेचुरल, हमारे पास लोहा है, सोना है, अबरक है, चांदी है, कोयला है, हर खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में है। जापान में क्या है आप बताइए, गया हूँ मैं। और आप जापान होकर के जब आप इंग्लैंड आएंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे किसी आधुनिक शहर से मध्यकालीन शहर में चले गए हैं, इतना एडवांस है, इतना एडवांस है। मैं जानना चाहता है नागासाकी हिरोशिमा के बाद जब दुनिया को लगा कि जापान कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा, 2-3 दशक के अंदर जापान अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हुआ, इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि अब इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में तो अमेरिका जैसा देश भी उससे डरता है। मैं जानना चाहता था कि ऐसी जापानी में क्या खास बात है, हम तो आज़ादी के 70 साल बाद भी उतने आगे नहीं जा पाए तमाम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद। ठीक है, हमारी सीमाएं हैं, हमारी जनसंख्या भी बहुत है, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती तो ये है ना कि हमारे लिए अपना घर, अपना परिवार प्राथमिकता है, राष्ट्र सबसे अंत में आता है। और जापानियों के लिए सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद परिवार, अंग्रेजों में ही खास बात। तो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जब तक पैदा नहीं होगा तब तक किसी मुल्क की तरक्की संभव है क्या? ये देश बचेगा तब ना हम बचेंगे। नली का झगड़ा, गली का झगड़ा, मुर्गा का झगड़ा, मुर्गी का झगड़ा, खसी का झगड़ा, बकरी का झगड़ा, अरे छोटे छोटे झगड़ों में हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो रही है, 5,000 रुपया के लिए लोग दूसरे को गोली मार दे रहे हैं, मरवा दे रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं सामाजिक चेतना? अरे समाज, देश कैसे बनता है? व्यक्ति से बनता है, व्यक्ति से समाज, समाज से सुबह, सुबह से ये पूरा देश। तो व्यक्ति की चेतना में गिरावट होगी तो सामाजिक चेतना में गिरावट आएगी, फिर सामूहिक चेतना में गिरावट आने से राष्ट्र की चेतना में गिरावट आएगी, और आ गई है। विश्व गुरु कहलाता था कभी यह भारत, इकबाल साहब ने जब लिखा ना, सारे जहां से इच्छा यूनान मिस्र रोमा, सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात थी, कौन सी बात थी कि हमारी हस्ती नहीं मिटी? मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता। देश सबसे पहले, ये राष्ट्र सबसे पहले, ये देश बचा रहेगा, राष्ट्र बचा रहेगा तब हम बचेंगे। हम जात के नाम पर लड़ेंगे, हम मजहब के नाम पर लड़ेंगे, आपस में लड़ाई गली नली छोटी छोटी बातों के लिए अगर आपस में लड़ेंगे तो देश कमजोर होगा, समाज कमजोर होगा। प्रेम से रहना है, मोहब्बत, ये पैगाम लेकर के मैं जाऊंगा और यही करता रहा हूं जीवन भर। सांप्रदायिक सौहार्द ये होना चाहिए, आपस में लड़कर कहाँ जाएंगे? जो मुल्क में इसमें हम जो सब पैदा हुए हैं कोई छोड़कर नहीं जा, हम सबको साथ ही रहना है ना, तो अच्छे से रहना पड़ेगा ना। तो हम सबको समझाते रहते हैं, ये मेरी मनसा है, ये मैं शुद्ध हृदय से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं राजनीति में आना चाहता हूँ, वहां आना चाहता हूँ, तो कोई पाप है ये? इसके लिए हमको ट्रोल कीजिएगा। सुशांत के केस से क्या लेना देना, क्यों जोड़ते हैं? जो किया वो तो कानून के हित में, न्याय के लिए किया। सुशांत के न्याय, सुशांत को न्याय दिलाने के लिए किया, वो करूंगा, आगे भी करूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां करूंगा। आप किसी के ट्रोल करने से और किसी के कमेंट करने से, टिप्पणी करने से मेरा मनोबल गिरने वाला नहीं है। बिहार का बेटा था और इस देश किसान था, उसकी मौत के रहस्य का जब तक उद्घाटन नहीं हो जाता तब तक मेरी नजर रहेगी उस पर, रहेगी।
पूरे देश की संवेदना जुड़ी है उसके लिए हमको ट्रोल कीजिएगा, कोई गलत कर दिया, कोई पाप कर दिया, काम करने की आदत है बचपन से, संघर्ष करने की आदत है बचपन से, चुनौतियों का सामना करने की आदत है बचपन से, राजनीति में आऊंगा तो ये सब भी करूंगा, सेवा करने का स्वभाव है वो भी करूंगा, और जनता की, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद, यही सबसे मेरी ताकत है, और मेरे पास कुछ नहीं, अपने तो मैं आपके चरणों का धूल हूँ, मेरी अपनी कोई औकात ही नहीं, मैंने तो बता दी वही बोरा झोरा से ऊपर मेरी कोई औकात नहीं है, छोड़ दिया सब कुछ, छोड़ दिया ये कोठा महल अटारी सब कुछ छोड़ दिया, और उसी बोरे झोरे वाली औकात में मैं आ गया, लेकिन ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही कमाल है, और राजनीति कैसी राजनीति के चलते विधायिका कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, संविधान है, हम हैं, आप हैं, पूरी व्यवस्था है, इसमें दोष है तो इसको ठीक करना है, राजनीति में भी लोगों की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है, तो भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारे जैसे एक गरीब किसान के बेटे को यहां तक इस ऊंचाई तक पहुंचने का मौका दिया। मैं बक्सर की उस मिट्टी को धन्यवाद देता हूं, मेरे रोम रोम पर बक्सर के लोगों का कर्ज है जिनके प्यार और आशीर्वाद से मैं यहां तक पहुंचा, लेकिन मैंने कभी उनके नाम पर बट्टा नहीं लगने दिया, वो अपने इस बेटे पर गर्व करते होंगे, उन्हें शर्मिंदा कभी नहीं होना पड़ा और कभी नहीं होना पड़ेगा, अंतिम सांस तक मेरा ये दावा है। उन गुरुओं को जो प्राइमरी स्कूल में हमको पढ़ाए हैं, तमाम गुरुजनों को जो माध्यमिक शिक्षा में हमको पढ़ाए, हाई स्कूल में जो पढ़ाए, कॉलेज में जो पढ़ाए, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, मुझे गढ़ने में, मुझे बनाने में, मुझे तैयार करने में उन सबका हाथ रहा है, और जब मैं सेवावृत्त होता हूँ तो मैं सरकार को, इस सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार को, जिन्होंने मुझे DGP बना करके इतने बड़े फलक पर काम करने का, बिहार की 12 करोड़ जनता की सेवा करने का मौका दिया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और बिहार के सभी राजनीतिक दलों को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, किसी भी दल के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि से मुझे कभी असहयोग नहीं मिला, और मैंने सबका सम्मान भी किया, और मेरे काम में सबने सहयोग किया, सबने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, इसलिए उनका भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और पुलिस डिपार्टमेंट के सिपाही से लेकर के वरीय पदाधिकारियों को, बिहार की आम जनता को, अपने गुरु को और ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ। मुझे अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें, मुझे कुछ चाहिए नहीं कोई पद के लिए या कोई लाभ के लिए, मैं केवल सेवा, मेरा उद्देश्य केवल सेवा है, भाषण की बात नहीं है, मौका अगर मिलेगा, राजनीति में आ गया, आपका निर्णय हुआ, मुझे अगर आप चाहेंगे, मुझे आप बुलाएंगे, तो मैं दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, सिविल सोसाइटी डिवाइडेड है, ये बात मुझे बहुत पीड़ा देती है, अच्छे आदमी की भी कीमत होनी चाहिए, जात के नाम पर कितने अंधे हो गए हैं हम, ये बात मैं सोचता रहता हूँ, अकेले में दोस्तों से मैं वार्ता करता रहता हूँ, मैंने जीवन में कभी इस चीज़ को समझा, समझने की कोशिश की, मैंने कभी जात पात नहीं किया, मेरे साथ हर जात, हर समाज, छोटे, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, सवर्ण, सब जात समाज के लोग मेरे साथ जुड़े हैं, और सबके साथ मेरा उतना ही आत्मीय संबंध है। मैं चाहता हूं कि अगर राजनीति में आने का मौका मिले और मेरी बक्सर की जनता का, बिहार की उन आवाम का जो मुझसे इमोशनली जुड़े हैं, उनका सहयोग, उनका समर्थन, उनकी राय बने, तो मैं राजनीति में आऊं और सेवा की एक ऐसी मिसाल पेश करूं जिसका संदेश पूरे बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी जाए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई गुप्तेश्वर,
आम जनता से एक ही अनुरोध करता हूं, जात से ऊपर उठिए ना। एक बार जात पात और दलीय बंधन से ऊपर उठिए ना। आपके आसपास ही बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो हाशिए पर हैं, उनको चुनिए, उठाइए, अगुआ बनाइए अपना। जात का चश्मा उतारिए, दल का चश्मा उतारिए, मजहब का चश्मा उतारिए और देखिए कैसे बदलेगा ये बिहार, कैसे अपना गौरव प्राप्त करता है बिहार। जात के चक्कर में अंधा मत बने प्लीज, ये बात मुझको बहुत पीड़ा देती है। आम जनता से मैं इतना ही कहूंगा, सिविल सोसाइटी को इतना डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, एक बनिए, तब तो अत्याचार, अन्याय, जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष मजबूत हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और बिहार की जितनी बेटियां, माताएं, बहनें सुन रही हैं, उनके साथ कहता हूं, उनके लिए कहना चाहता हूं कि आप चाहें तो बहुत बड़ा फर्क आ सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। बहुत जागरूकता में आई है, मुझे मैं पता है, जो महिलाएं घरों में दुबकी पड़ी रहती थी, अब वो पंचायती राज व्यवस्था में भारी संख्या में जनप्रतिनिधियों के रूप में आई हैं। बिहार पुलिस में महिलाओं की भारी संख्या में 35-37% आ रही हैं, दरोगा में, सिपाही में, हर पंक्ति। ये बिहार के लिए गौरव की बात है, माताओं बहनों के लिए गौरव की बात है। नारी सशक्तिकरण का यह बहुत जबरदस्त उदाहरण पेश किया है बिहार ने, पूरी दुनिया में अभी कम से कम देश के किसी प्रांत में ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मैं इन माताओं और बहनों के लिए जो सुन रही हैं या जो सुनेंगे, उनके लिए कहना चाहता हूं कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी, या घर घर की है लक्ष्मी, सिंदूर बन के दम के, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खन के, झांसी की रानी हैं आप। जहाँ क्षमा है वहाँ नारी है, जहाँ दया है वहाँ नारी है, जहाँ करुणा है वहाँ नारी है, जहाँ सेवा है नारी है, और जहाँ अपने को खपा करके भी, लाख कष्ट उठा करके भी दूसरे का सहयोग करने का, दूसरे मदद करने का भाव है, वहाँ नारी है। लेकिन जहाँ शौर्य है वहाँ भी नारी है, जहाँ पराक्रम है वहाँ भी नारी है। नारी कमजोर नहीं है, आप अपने स्वरूप को पहुँचाने और एक अच्छा बेहतर समाज बनाने में आप अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। नौजवान तो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल देते हैं, बिहार के नौजवान जग जाएंगे तो बिहार और खूबसूरत हो सकता है। मैं आपको जगाने के लिए आ रहा हूं, सेवा मुक्त हुआ हूं, सबको जगाऊंगा, नौजवानों को संगठित करूंगा, बिहार के नौजवानों जागो सब, और आप चाहो तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। सत्य के साथ, न्याय के साथ, जात से ऊपर उठ करके कमंद चांद सितारों पे डाल सकते, कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, तुम समंदर की तहों को खंगाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, तुम समंदर की तहों को खंगाल सकते हो, और तुम्हारी औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा। तुम चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो, जात का बंधन तोड़ करके एक नया समाज बनाना है, बिहार की गरिमा को, बिहार के गौरव को और आगे बढ़ाना है, इस सुशासन को की सुगंध को और दूर दूर तक फैलाना है। मैं आता रहूंगा, आज बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूं, दिल में बहुत सारी बातें हैं, समय की पाबंदी है, इतना ही करके मैं बात समाप्त करता हूं। मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, तो आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि भावुक आदमी हूं, क्या बोलता हूं
इमोशन बोलता हूँ, हृदय से बोलता हूँ, कुछ सोच के बोलता नहीं। कभी कभी गलती भी हो जाती है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, बक्सर का बेटा, बिहार का सिपाही गुप्तेश्वर पांडे, नमस्कार।